मैं हूँ एडवोकेट आशीष शुक्ला और आज आपके साथ आया हूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 को लेकर। दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर सपोज करो कि कोई कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है और जो उसमें कोपार्सनर्स हैं, तो अगर कोपार्सनर अगर उस डिवोल्यूशन उस प्रॉपर्टी का अगर पार्टीशन होता है या जो उसके कोपार्सनर है अगर कोई कोपार्सनर उसमें से मर जाता है, तो जो उसका शेयर है उस कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में उसका डिवोल्यूशन कैसे होगा, वो जो उसके शेयर्स हैं उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा, जो उसके पास शेयर है वो शेयर दूसरों के पास कैसे जाएगा, किसके पास जाएगा, ये भी बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में इस सेक्शन के रिगार्डिंग। बट बेसिकली इस सेक्शन को समझने से पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से पहले क्या सिचुएशन थी, उससे पहले क्या रिवोल्यूशन होता था, अगर होता था तो कैसे होता था, क्या प्रोसेस था, पहले ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ अगर सिनॉप्सिस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सेक्शन 6 बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम 1956 से पहले क्या सिनेरियो था उसको समझो। 1956 से पहले जो डिवोल्यूशन होता था वो बेसिकली दूसरे रूल से होता था। उस रूल का नाम है डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप। 1956 के बाद जो रूल हुआ उस रूल को बोलते हैं डिवोल्यूशन बाय सक्सेशन। अब बेसिकली इन दोनों रूल में क्या डिफरेंस है पहले ये समझ लेते हैं। देखो जो रूल ऑफ डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप है उसमें क्या होता है पहले ये समझो। जो 1956 से पहले होता था, 1956 से पहले जो डिवोल्यूशन होता था वो होता था बाय सर्वाइवरशिप। अब ये बाय सर्वाइवरशिप कैसे डिवोल्यूशन होता है पहले समझो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है उसमें 5 कोपार्सनर्स हैं, लेट्स से कि एक फादर है और 4 सन है, फादर और सन मिलके कोपार्सनरी क्रिएट करते हैं। अब ये जो कोपार्सनर्स हैं आपस में अगर फॉर एग्जाम्पल इन में से कोई एक व्यक्ति मर जाता है, सपोज करो कि एक लड़का इसमें से एक सन जो है वो मर गया, तो जो उसका शेयर है वो शेयर किसके पास जाएगा उस कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल उस लड़की के कुछ बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, तो क्या वो शेयर उनके बच्चों के उसके बच्चों के पास जाएगा, उसके वाइफ के पास जाएगा, या उसका शेयर जो है जो बाकी के 3 उसके भाई हैं या फादर के पास पहुंच जाएगा। तो बेसिकली जो डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप है वो कहता है कि जो शेयर किसी भी कोपार्सनरी का है अगर वो मर जाता है तो रूल जो है डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप अप्लाई होगा। और सर्वाइवरशिप में क्या होता है कि जो बाकी के कोपार्सनर्स हैं उनमें जो है उसका शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि जो उसका शेयर है वो बाकी के जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में अगर सपोज करो कि उसकी कोई विडो है तो उसकी विडो को कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर विडो को कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ कि ये एक इनइक्वालिटी को क्रिएट कर रहा था। जो वुमन है वुमन को कोई भी पावर नहीं थी, उनको कुछ शेयर नहीं मिल रहा था। तो 1956 में जब सक्सेशन एक्ट आता है तो उसमें सेक्शन 6 ब्रीफली बताता है कि भाई ये जो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप था डिवोल्यूशन का इसको अबॉलिश करो, एक दूसरा रूल लाते हैं जिसको बोलेंगे डिवोल्यूशन बाय सक्सेशन। अब ये डिवोल्यूशन बाय सक्सेशन क्या है बेसिकली वही हम समझने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए वन बाय वन करके सभी सब सेक्शंस को समझते हैं सेक्शन 6 का। अब एक चीज और जो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझना होगा फिर उसके बाद हम सेक्शन 6 की तरफ चलेंगे, वो ये है कि 2005 एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें सेक्शन 6 को दोबारा अमेंड किया गया। अब ये अमेंडमेंट क्यों हुआ इसको भी थोड़ा सा समझ लो। बेसिकली 2005 से पहले जो कोपार्सनरी होते थे वो सिर्फ सन होते थे, डॉटर्स को कोपार्सनरी नहीं माना जाता था। तो जब डॉटर्स कोपार्सनरी ही नहीं है तो वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में क्लेम भी नहीं कर सकती। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी को जो है बढ़ावा दे रहा था, तो इसलिए डॉटर्स को भी कोपार्सनरी बनाने के लिए सेक्शन 6 में 2005 में दोबारा अमेंडमेंट किया गया और डॉटर्स को भी कोपार्सनरी बनाया गया। तो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 यहीं से स्टार्ट होता है। 3 चीज़ें बताता है सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1। पहली चीज़ बताता है कि डॉटर्स भी कोपार्सनरी होंगी, उनको भी बाय बर्थ कोपार्सनर माना जाएगा।
दूसरी चीज बताता है कि जैसे सन के पास कोपर्सनली राइट था, वैसे ही अब डॉटर्स के पास भी कोपर्सनली राइट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोपर्सनली राइट का मतलब होता है कोपर्सनली प्रॉपर्टी में क्लेम करना, पार्टीशन सीक करना और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कोपार्टनर्स कर सकते हैं कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो अब डॉटर्स भी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में अपना क्लेम मांग सकती हैं, वो अपना राइट रखती हैं। अब तीसरी चीज़ जो सबसेक्शन कह रहा है कि डॉटर्स पर भी सेम ऑब्लिगेशन होगा जैसे सन पर होता है उस कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो बेसिकली ये सबसेक्शन वन था जो सेक्शन सिक्स का अमेंड करके इसमें लाया गया। इस सबसेक्शन में एक प्रोविजो भी है। प्रोविजो क्या कहता है इसको समझ लो। हालांकि डॉटर्स अब कोपार्टनरी बन चुकी हैं, वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में अपना क्लेम कर सकती हैं, लेकिन प्रोविजो में एक बात यह कही गई कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई पार्टीशन हो चुका है, कोई एलिनेशन हो चुका है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, किसी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उस कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो डॉटर्स हैं वो कोई क्लेम नहीं करेंगी। उसके बाद अगर उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ होता है और डॉटर्स उसमें कोपार्टनर्स बन चुकी हैं, उसमें उनका शेयर है, तो वो उसमें अपना पार्टीशन सीक कर सकती है, क्लेम कर सकती हैं। ये था सबसेक्शन वन। अब समझते हैं सबसेक्शन टू क्या है। सबसेक्शन टू में ये क्लियर बोला गया कि जो डॉटर्स जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में उनको ऑनरशिप मिली है, वो अगर उसको डिस्पोज करना चाहती हैं तो वो कैपेबल हैं कि उसको टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन भी कर सकती है। मतलब कि वो वसीयत बनाकर, विल बनाकर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती हैं, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं, किसी को भी एलिनेट कर सकती हैं, वट एवर। ये बेसिकली है सबसेक्शन टू। अब समझते हैं सबसेक्शन थ्री क्या कहता है सेक्शन सिक्स का। देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबसेक्शन है ये, और इसको समझने के लिए आपको एक प्रॉपर वर्ड समझना होगा, दैट इज़ नोशनल पार्टीशन। अब ये नोशनल पार्टीशन क्या है ये समझो। सपोज करो कि कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का कोई शेयर किसी कोपार्टनर के पास है, अब लेकिन अभी तक उस प्रॉपर्टी का कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, लेकिन उस पार्टीशन से पहले ही वो जो कोपार्टनर है वो मर जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? जो वो कोपार्टनर है उसके उसका जो शेयर्स हैं वो कैसे उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो उसके सन हैं वो उनमें, या जो डॉटर है उनमें कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो ये समझा गया कि सपोज करो कि जैसे ही वो मरा, तो हम मान लेंगे कि भाई उसके मरने से पहले ही एक पार्टीशन हुआ और उस पार्टीशन में डिसाइड हो गया कि उसका कितना शेयर है, और उस शेयर में से ही उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनको वो हिस्सा दे दिया जाएगा। तो मरने के बाद पार्टीशन हो रहा है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि पार्टीशन तभी हो गया जब वो नहीं मरा था या मरने से पहले ही। तो इस पार्टीशन को जो मरने से पहले ही पार्टीशन हो गया, हम ये मान के चल रहे हैं, उस पार्टीशन को बोलेंगे नोशनल पार्टीशन। कि हम मान रहे हैं कि उसके मरने से पहले ही पार्टीशन हुआ और उस पार्टीशन में जो उसका शेयर है, उसके शेयर जो है अब किस तरीके से आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अब यहाँ पर एक ये नोशनल पार्टीशन आपको समझ में आ गया। अब बेसिकली सबसेक्शन सिक्स कह रहा है कि अगर कोई भी हिंदू जो मर जाता है तो उसके जो शेयर्स है कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में, वो दो तरीके से डिवॉल्व होंगे। पहला है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, दूसरा है इंटरस्टेट सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या है, इंटरस्टेट सक्सेशन क्या है, इसको ब्रीफ में समझ लो। टेस्टामेंट्री सक्सेशन बोलते हैं कि अगर कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी को अपनी वसीयत के थ्रू जो है, अपने विल के थ्रू अगर किसी को एलिनेट करता है, किसी को ट्रांसफ़र करता है, तो उसको हम टेस्टामेंट्री सक्सेशन बोलते हैं। लेकिन सपोज करो कि अगर वो विल नहीं बनाता है और बिना विल बनाए ही मर जाता है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू जो है आगे उसके हेयर्स में डिवॉल्व होगी। तो सबसेक्शन सिक्स कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में जो उसके शेयर्स हैं वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन के थ्रू या इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू जो है उसकी लीगल हेयर्स में आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि जो नोशनल पार्टीशन हुआ है और उस नोशनल पार्टीशन में जो उसका शेयर है वो कैसे आगे डिवॉल्व होगा, ये सबसेक्शन थ्री बता रहा है। सबसेक्शन थ्री के सब पार्ट वन के अकॉर्डिंगली जो जो शेयर उस व्यक्ति का है उसमें से डॉटर्स को भी उतना ही शेयर मिलेगा जितना कि सन को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर उस व्यक्ति का एक डॉटर और एक सन है, तो जितना सन को मिलेगा उतना ही डॉटर को मिलेगा। ये पार्ट वन कह रहा है। पार्ट टू क्या कह रहा है? पार्ट टू ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति का जिसका जिसका शेयर है, अगर उसका कोई लड़का या लड़की है
लेकिन वो मर चुके हैं, और उनके मरने के बाद जो उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को जो है उस व्यक्ति का जो है शेयर्स ट्रांसफर हो जाएगा। ये पार्ट टू कह रहा है। लेकिन सपोज करो कि अगर उसकी लड़की या लड़की के जो बच्चे हैं, अगर वो बच्चे भी मर गए हों तो इस सिचुएशन में जो बच्चे हैं जो मर गए हैं उनके जो बच्चे होंगे उनमें जो है उसके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके शेयर्स डिवॉल्व हो जाएंगे। ये कहता है पार्ट थ्री सब सेक्शन थ्री का। तो बेसिकली ये था सब सेक्शन थ्री जो नेशनल पार्टीशन की बात करता है और बताता है कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का जो हिंदू है वो मर चुका है तो किस तरीके से नेशनल पार्टीशन के थ्रू उसके लीगल एयर्स जो हैं, उसके बच्चे या उसके बच्चों के बच्चे या फिर उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों में कैसे उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। ये है बेसिकली सबसेक्शन थ्री। आप समझते हैं कि सेक्शन सिक्स का सबसेक्शन फोर क्या कहता है। सबसेक्शन फोर को समझने से पहले एक वर्ड समझो जो है पायस ऑब्लिगेशन। अब ये पायस ऑब्लिगेशन क्या है पहले समझो। फॉर एग्जांपल अगर फादर ने कोई डेट लिया है, कोई कर्जा लिया है, तो उस कर्जे की भरपाई क्या उसका बेटा सन करेगा या ग्रैंडसन करेगा। 1956 से पहले ऐसा था कि अगर फादर ने कोई डेट लिया है तो उसका बच्चा जो है उसको चुकाएगा या उसका ग्रैंडसन उसको चुकाएगा। यही है पायस ऑब्लिगेशन। लेकिन 1956 के बाद जब ये एक्ट आया तो इसमें इस पायस ऑब्लिगेशन से बच्चे को या ग्रैंडसन को फ्री कर दिया गया कि भाई 1956 के बाद अगर फादर ने कोई डेट लिया है और फादर मर जाता है तो जो उसके कोपार्टनर्स उसके जो बच्चे हैं उन पर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होगा, वो उस कर्ज की उस डेट की भरपाई नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रोविज़ो दिया गया, प्रोविज़ो ये दिया गया कि भाई 1956 से पहले अगर फादर ने कोई डेट लिया है तो भाई उस बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो डेट को चुकाएगा। अगर कोई क्रेडिटर है तो क्रेडिटर जो है उस पर्टिकुलर कोपार्टनर की प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकता है जो भी उसने डेट दिया है उसके रिगार्डिंग। ये है बेसिकली सबसेक्शन फोर। अब समझते हैं कि सेक्शन सिक्स का सबसेक्शन फाइव क्या कहता है। सबसेक्शन फाइव सिंपली कहता है कि भाई जो हमने सारी बातें की, जो हमने पार्टीशन की बातें की या जो भी सारी इंटेस्टेट सक्सेशन था या टेस्टामेंट सक्सेशन था, ये सक्सेशन जो पार्टीशन का हो रहा है तो ये जो पार्टीशन है ये पार्टीशन अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर हुआ है तो उस पार्टीशन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर उसके बाद कोई पार्टीशन हो रहा है तो उस पार्टीशन पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली ही सक्सेशन होगा। अब एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन पार्टीशन को डिफाइन कर रहा है कि पार्टीशन सिर्फ उसी पार्टीशन को माना जाएगा जो रजिस्टर्ड पार्टीशन है, ना कि किसी दूसरे पार्टीशन को। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सक्सेशन एक्ट का सेक्शन सिक्स क्या है, पार्टीशन के बाद किस तरीके से जो है डिवोल्यूशन हुआ प्रॉपर्टी का, और 1956 से पहले क्या सिचुएशन थी और 1956 के बाद क्या सिचुएशन हो गई, 2005 में जो अमेंडमेंट आया उसके बाद डॉटर्स को किस तरीके से कोपार्टनरी बनाया गया और उसमें कोपार्टनरी राइट मिली उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।